ये वो शख्स था जो बहुत ही नरम था और हम्बल था, और इसको सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की थी। ये एक फैमिली कंपनी थी, इसने फैमिली कंपनी को बढ़ावा दिया और इसको ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड कंपनी बनाया। हाल यह है कि यही वो शख्स है जिसने इस फर्म को आज जैगुआर भी ली और कई कारखाने इन्हें लिए हैं दुनिया में, चीन में भी ये है। ये दिखाता है कि नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी जो वो ख्वाहिश थी राजीव गांधी की कि हम लोग यहाँ के खोल दें यहाँ पे, नहीं तो पहले तो यहाँ सरकारी राज होता था इसमें इंडस्ट्री के लिए, जब उसने वो सब तोड़ दिया तो आउटलुक बढ़ गया और रतन का टाटा का नजरिया बहुत बड़ा था, उसकी नजर बहुत तेज थी और दूर तक थी, जिससे कि हिंदुस्तान का नाम उसने सारे दुनिया में पैदा किया। आज मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे पता नहीं कब है, अगर मैं जा सका मैं जरूर जाऊंगा। ये वो गए, आज वापस गए और वो इसीलिए आए थे क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकता जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने हमें यहाँ इलेक्शन दिया 96 में, और 96 में भरपूर मेहनत की उन्होंने कि हम लोग आगे चल सकें, हमारी मुश्किलें कम हो। वो शख्स है, मैं कहना चाहता हूँ, जब उड़ी का प्रोजेक्ट तैयार हुआ और इनको यहाँ आना था तो SPG जो सिक्योरिटी की विंग है उन्होंने कहा बिल्कुल आप नहीं जा सकते, खतरा है। मैंने फोन किया, मैंने कहा जनाब आपको आना चाहिए, हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये तशरीफ लाए और खुद उस प्रोजेक्ट को अपने हाथों से उसका उद्घाटन किया। फिर मेरे साथ वो यहां से गए रजौरी और हर तरफ से उनने जितनी हमारी जो है उस रियासत को उस डार्कनेस से लाइटनिंग की तरफ लाए, रोशनी की तरफ लाए, उसका सबसे बड़ा हाथ देवेगौड़ा जी का। देखिए आज उमर साहब को लीडर बनाया है, कांग्रेस से बात करेंगे, उसके बाद ये जब शपथ ग्रहण होगा किस दिन होगा उसका फैसला होगा, उसके पहले काबीने का मंत्री बनेंगे क्योंकि अभी यूटी है, यूटी में हमारी उतने मिनिस्टर बना नहीं सकते, जो स्टेटूट बढ़ेगा तो वो जो है मिनिस्टरों की तादाद और बढ़ जाएगी।